मास की बोटी मुँह में ठोस दई, पर हंस हंस बैरागी कहे तुझे मुझे ना परेशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करो भाई यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। धन्यवाद, मैं आप निवेदन करूंगा, देखिए आपके हल्के की नहीं पूरे सडौरे की अगर कोई कुर्बानी दे रही, वो पिंकी छप्पर है जिसने आपके साथ 20 साल से मेहनत कर रही, बस इसकी मेहनत को जाया ना जाने देना। भजन तो मैं आपको इतने सुना दूँ, मेरे दिमाग में बहुत मसाले भरे पड़े, पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब मैं निवेदन करूँगा पिंकी छप्पर जो आपकी भाभी विधायक है वो आए और अपने विचार रखें। आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। आदरणीय मेरे गांव मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने जो हमारा मान सम्मान किया, मैं तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को 15 अगस्त की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस आज़ादी के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, तब जाकर के हमारा भारत आज़ाद हुआ। और ऐसे ही लाखों वीरों ने आज़ादी दी, सिख मुस्लिम सब ने आज़ादी के लिए लड़े। और मैं उन वीरों को जो देश के वीरों ने अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया, प्राणों की आहुति दी, उनको मैं सत सत नमन करती हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा, जय हिंद जय भारत। अभी तलक तो डोरे हल्के पे से मर्दानी भाषा बुलवाए दो, भाई ब्रिजपाल छप्पर जी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ फतेह दीन साहब जी का, जिन्होंने एक चाय कार्यक्रम को एक जनसभा में तब्दील किया। और हमारे बहुत बड़े साथी भाई असलम खान जी जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, परसीना बह रहे हैं, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई सलीम खान जी का, इस्लाम जी का, निसार का, गुलामा का, यासीन का, इरशाद का, इरफान का, भाई सुलेमान जी हमारा पुराना साथी, सवीरा जी, मेहंदी हसन जी, असलम जी, बुद्धू सरपंच जी, तासीम जी, आलिम जी, जाहिद खान जी और भाई आसिम जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आए तो आपको सिर्फ आज बधाई देने के लिए, कोई भाषण देने नहीं आए। खुशी का दिन है, आज ही हमारा सबका त्यौहार है, क्योंकि आज के दिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें हमारे लाखों वीरों ने, इतिहास के मुताबिक कि 9 लाख से ज़्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे हैं, उनकी देन आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, ये उनकी देन है। साथियों, इस आज़ादी के लिए बहुत कष्ट सहे हमारे वीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कोई आज कोई एक दिन की जीत नहीं है, 300 साल तक संघर्ष किया। और ऐसे से लोग अशफाक, भगत सिंह, बिस्मिल्ला, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने कनपट्टी के ऊपर साथियों खुद अपने आप को आज़ाद रखने के लिए खुद को गोली मार दी। साथियों, ऐसे से लोग थे जिनके अंदर एक जज्बा था, और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, कोई 19 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 22 साल का था, कोई 23 साल का था। साथियों, ऐसे से लोगों ने जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके पूरी ज़िंदगी देश के लिए संघर्ष किया, साथियों आज उन्हीं की देन है। साथियों, लेकिन आज देश के अंदर हालात ख़राब है। साथियों, आज देश के अंदर एक जहर बोया जा रहा है। साथियों, इस आज़ादी के लिए एक वर्ग ने नहीं, हर जाति के लोगों ने, हर जाति के धर्म के लोगों ने साथियों इसके लिए कुर्बानी दी, चाहे कोई हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे कोई सिख था, चाहे किसी वर्ग का था। साथियों,
तभी जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है साथियों, आज साथियों विशेषकर एक वर्ग को यह पूछा जा रहा है कि आप देशभक्त है नहीं है साथियों, आप हिंदुस्तानी है नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब अशफाक खान को फांसी होनी थी और भरी जवानी के अंदर कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, 22 साल का था साथियों, जब उससे पूछा गया कि आप अपनी आखिरी इच्छा बताओ, उसकी तरफ से जवाब क्या था कि जब मुझे आप फांसी के फंदे से नीचे उतारे तो मेरे देश की मिट्टी को मेरे कफन पे लगाना, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। उसने इसलिए फांसी नहीं ली थी कि देश के ऊपर मुसलमानों का राज होगा साथियों, उसने इसलिए देश के ऊपर कुर्बानी दी थी कि साथियों हिंदुस्तान आजाद होगा, सबको समान होगा, सबका इज्जत होगी, सबका अधिकार मिलेगा, हर आदमी का समान होगा, हर आदमी को काम मिलेगा साथियों, इज्जत से हिंदुस्तान जिएगा। लेकिन साथियों मैं आज खुल करके कहता हूं, भगत सिंह का जो सपना था साथियों, भगत सिंह का सपना यह था कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था उसको उनके साथ भेज दो। लेकिन साथियों आज दुर्भाग्य है, आज दुर्भाग्य है, उनके आजाद तो करा दिया लेकिन व्यवस्था सारी अंग्रेजों की बनी है साथियों। साथियों सुभाष चंद्र बोस का क्या सपना था कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद सबका सम्मान हो, सबकी इज्जत हो साथियों। तो साथियों अनेक वर्ग के लोगों ने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी तब जाकर के आजाद हुआ। लेकिन मैं खुल करके कहता हूं साथियों, ये देश जितना हिंदुओं का उससे ज्यादा मुसलमानों का साथियों, हिंदुस्तान का जो मुसलमान, मैं खुल करके कहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर साथियों 22 मुसलमान है, बाई चांस नहीं है, बाई चांस नहीं है, बाई च्वाइस है। क्योंकि इनके पास मौका था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, शायद आपको ना पता हो, तो ये फैसला होता है कि मुसलमान वहां चले जाओ। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान था साथियों, जो आज हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, उसने जवाब दे दिया, उसने कहा कि हम इस मिट्टी के अंदर दफन होंगे, यही मरेंगे, यही देश हमारा है साथियों। जो आज ये प्रश्न पूछते हैं कि आज ये मुसलमानों के ऊपर अनेक प्रकार के साथियों इल्जाम लगाते हैं, हम तो खुल करके कहते हैं जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी साथियों, इससे ज्यादा किसी ने नहीं दी। 9 लाख के अंदर से 5 लाख से ज्यादा मुसलमान नौजवान साथी मारे गए इस देश के लिए साथियों। लेकिन ये पता नहीं किस प्रकार का जहर हिंदुस्तान के अंदर बोया जा रहा है साथियों, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान से प्रश्न किया जाता है साथियों, आज उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। मैं खुल करके कहता हूं, महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी को साथियों किसी मुसलमान ने नहीं मारा, बेअंत सिंह को किसी मुसलमान ने नहीं मारा साथियों। तो ये राजनीतिक लोग हैं और इसके अंदर एक विशेष पार्टी एक टारगेट बना रही है। लेकिन मैं खुल करके बात कहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये हिंदुस्तान हम सबका है साथियों। तो मैं बातें तो काफी कहनी थी लेकिन समय का अभाव है, समय का अभाव है। और हमारे साथियों राजनीतिक बात भी आपके बीच में रखी है, चलो राजनीतिक बात तो करनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर मैं हिंदुस्तान के ऊपर बोलूंगा बहुत लंबा समय लगेगा, कल्ले कल्ले वर्ग का, कल्ले कल्ले जात का मुझे पता है किसने कितनी कुर्बानी दी साथियों। लेकिन आज जो ताकते हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं, हर आदमी समझ चुका है। जिस प्रकार हमारे कर्नल जी कह रहे थे नूह के अंदर एक दंगा करवाया गया, ने जानबूझ के करते हैं, एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, एक जाति को टारगेट किया जाता है। लेकिन मैं सभी का, जिस प्रकार आज भाई असलम जी ने पूरे गांव ने हमें इस बहुत बड़े अवसर पर, हम अपने आप को सारी टीम सौभाग्यशाली समझते हैं कि देश का तिरंगा आज नगरी के अंदर छत्ती बरादरी के और विशेष करके मुस्लिम भाइयों ने आज जिस प्रकार का स्वागत किया और झंडे को सलाम किया, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो यहां से एक संदेश जाएगा, पूरे उसमें एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बीच में बहुत बढ़िया साथी, हमारे ऐसे साथी आपके बीच में आए, हमारे जसवंत राणा जी जो जागदोली से लगातार 9 प्लान से सरपंच है, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे लोग आपके बीच में, ऐसी हस्तियां आपके बीच में पहुंची आज इस शुभ अवसर पर। हमारे बीच में जसबीर जी बैठे हैं सरपंच है पंजौरे के, वही आपके बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में कोपरेट सोसाइटी के चेयरमैन मौजूदा कलौड के भाई बिक्कू राम जी चहल, जय वराठी जी पावनी से, हमारे किसान नेता लाला राम जी 3 प्लान से लगातार ब्लॉक समिति मेंबर रहे। हमारे बीच में भाई सुरेंद्र गुज्जर जी पहुंचे हैं, हमारे बीच में राणा कलौड़ से नरेश राणा जी बहुत बढ़िया हमारे साथी हमें पहुंचे हैं, हमारे बीच में पिंकी छप्पर आई है, संतोष आई है और हमारे बीच में भाई महेंद्र जी आर्या जो एक बहुत बढ़िया